జ్ఞాని దాని ప్రజాపాలక్ గోపాలక్ రాజ్ రాజేశ్వరరావు శ్రీమంత్ పేష్వా బాలాజీ బాజీరావు దర్బార్ మే పధార్ రహే హైన్. ऐसा बहुत कम होता है कि पुणे से बाहर कभी पेशवा का दरबार हो, लेकिन ये बहुत गंभीर मौका है जबकि तारीख में मराठों के नाम पर ऐसा धब्बा लगा है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता. आज हम अपने महान पुरखों छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव के पुण्य आत्माओं से शर्मिंदा है. हम जानते हैं कि पानीपत की ये हार कायरता से नहीं हुई है, गद्दारी से हुई है. गद्दारी से, गद्दारी से, गद्दारी से. जो सरदार लड़ाई में नहीं लड़ते हैं, कायरों की तरफ पीछे हटते हैं, वो गद्दार होते हैं और उनकी सजा मौत होती है. जो हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें उल्टा लटकाकर लश्कर को सबक दिया जाता है. लेकिन यह हमारा दस्तूर नहीं है. हमारे पुरखे ऐसों का सब कुछ जब्त कर लेते थे जो उन्हें देते थे, संजा, खिताब, मनसब, जागीरें और चौथ वसूल करने का हक. दिल्ली में हमारे सफेद नारोशंकर एक गोली चलने से पहले फरार हो गए. हम उन्हें बर्खास्त करते हैं. मल्लारा होलकर जो मैदानी जंग छोड़कर भाग आए, उनकी सुबेदारी, सरंजाम, खिताबात सब जब्त. और बाजी सिंधिया कहां है? 3 महीने से कहां छिपा बैठा है? उसके 4 भाई जिन्होंने पेशवा राज और अपने पिता राणोजी सिंधिया का सर ऊंचा किया, और वो 5वां महाजी हमसे चाल चल रहा है कि हम पुणे लौट जाए और चुपचाप आकर सिंधिया संपत्ति और सुबेदारी का मालिक बन बैठे. नहीं, नहीं मानते हम उसे वारिस. नहीं मिलेगी उसे सिंधिया की सुबेदारी पदवी, संपत्ति. गद्दार है वो, और जब तक वो हाजिर नहीं होता, सफाई नहीं देता, हम मानते रहेंगे वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है. नहीं, 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 ये गलत है. ये इल्जाम है मेरे बेटे पर, मैं कभी नहीं मान सकती. रानूजी महाराज का 5वां बेटा, मेरी कोख का जना गद्दार नहीं हो सकता. वो लड़ा है, बाला जनार्दन ने खुद उसे देखा है जानकू जी के साथ. वो घायल हो सकता है, बंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर गद्दार नहीं. अंदर जाओ चिमना भाई.
अंदर नहीं जाऊंगी। आपने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया है, कहा कि छुपा बेटा है वो। क्या वो जयद्रथ है जिसने किसी अभिमन्यु की हत्या की है? क्या कारण है जो आप इसे वारिस नहीं मानेंगे? क्या ये कोई इंसाफ है कि आप क्रोध में जो चाहे कहें मैं उसे सही मान लूं और खून के घूंट पीती रहूं? स्त्रियां जनाने में रहती हैं, मर्दाने में नहीं आती। वो आती है जब मर्दाने में बैठकर मर्द औरतों के साथ अन्याय करते हैं। मेरे चार बेटे रहे नहीं, पांचवा लौट कर आया नहीं, और यहां आज बैठकर जब वो मौजूद नहीं, उसकी किस्मत का फैसला किया जा रहा है। मेरे सामने कहा जा रहा है कि उसे वारिस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं जो मराठ वादे की नहीं किसी दूसरी जाति की हूं। कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है जात पात। औरत की जात बदल जाती है, उसका गोत्र बदल जाता है। जब एक मर्द उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है, मुझसे जन्मी संतान सिंधिया ही है। धरती में जब गेहूं का दाना डाला जाता है तो उससे गेहूं ही पैदा होता है, जाओ नहीं। इस समय अंदर जाओ, वक्त आने पर देखेंगे। क्या देखेंगे? नहीं दिखता है मर्दों को। पानीपत की कितनी विधवाएं बैठी हैं, उनके आंसू पोंछने के बजाय और सिंधिया परिवार को तसल्ली देने के बजाय उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि उनका एक बेटा बच गया है। क्यों न जाने कहां किस हाल में पड़ा होगा। अरे जागीरें लेनी और सजा देनी है तो उनको दो जो युद्ध में लेकर गए थे और सबको मरवा दिया, सबको मरवा दिया। ये नाइंसाफी है। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, अपने बेटे के लिए लड़ूंगी। इंसाफ के लिए मैं हमेशा आवाज उठाऊंगी, हमेशा आवाज उठाऊंगी, हमेशा आवाज उठाऊंगी। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह दिया तुमने? तुमने पेशवा से बदतमीजी की है और वहां उनकी शान में भरे दरबार में तुम कहीं की नहीं रहोगी। पेशवा जी तुम्हें देश निकाला दे देंगे। तुम सब मर्दों से डरती रही हो इसलिए तुम्हें देश निकाला मिलता रहा है, इसीलिए तुम्हारे लफ कुछ भटकते रहे हैं। लेकिन मैं भटकने नहीं दूंगी। मेरे बेटे को एक चोट किस्मत ने दी है कि उसका पता नहीं है, और यह है कि महात को सजा दे रहे हैं, उसे सजा दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा, आपके बेटे महात जी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं अहिल्या हूं, होलकर महाराज की अभागम पुत्रवत हूं। होलकर जी भी नहीं आए हैं, वो आएंगे, महाजी भी आएंगे। पेशवा जी क्रोध में हैं, शोक से टूटे हैं, शांत होंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा।